झंडुता युवा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले की न्यायिक जांच करवाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस झंडुता ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश नेगी की अगुवाई में एसडीएम झंडुता के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया। इससे पहले युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुधीर सुमन ने कहा कि प्रदेश सरकार वैश्विक महामारी कोरोना से सही तरीके से निपटने की बजाय कथित भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए उपकरणों की खरीद फरोख्त में हुए घोटाले ने प्रदेश सरकार की ईमानदारी की पोल खोल कर रख दी है। देवभूमि हिमाचल में हुई इस घटना से प्रदेश शर्मसार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के इस घोटाले में स्वास्थ्य निदेशक व भाजपा से जुड़े नेता का जो ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें 5 लाख रुपए की रिश्वत स्वास्थ्य निदेशक को देने की बात हुई है, उससे पूरे प्रदेश भर में सनसनी फैल गई है और अब ये घोटाला प्रदेश की जनता के समक्ष उजागर हो चुका है। युवा कांग्रेस के नेता ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के इस घोटाले के उजागर होने के बाद देश व प्रदेश भर में इसकी खूब चर्चा के साथ साथ प्रदेश सरकार की खूब किरकिरी हुई तथा कोरोना जैसी महामारी में घोटाला उजागर होने से प्रदेश की जनता में सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी स्वास्थ्य निदेशक, जो कि गत 31 मई को पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे, उन्हें सेवा विस्तार देने के लिए भाजपा के एक नेता द्वारा ही सरकार से पैरवी की जा रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस घोटाले के तार भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं और इसलिए भ्रष्टाचार व घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ही विपक्ष के दबाव के चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से अपने पद से इस्तीफा दिलवाकर और सरकार ने स्वयं चुप्पी साध कर जनता को भ्रमित करने का कथित घटिया प्रयास किया है। युवा कांग्रेस ने राज्यपाल से इस घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच प्रदेश के किसी वर्तमान न्यायाधीश से करवाने की जोरदार मांग की है। युवा कांग्रेस ने राज्यपाल से ये भी मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश में हुए इस भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाए। प्रदेश आज इस विश्व स्तरीय महामारी में पूरे देश के साथ प्रदेश में भी लोगों का जीवन जहाँ कठिनाइयों से भरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना योद्धाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाले स्वास्थ्य उपकरणों, जिनमें पीपी किट, सैनिटाइज़र आदि में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिससे हिमाचल प्रदेश की छवि पूरे भारतवर्ष में शर्मसार हुई है। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश के लोग सरकार को दान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लकों को तोड़ के सरकार को दान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले स्वास्थ्य विभाग के एक निदेशक, जिनका एक भाजपा नेता के साथ ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपए के लेन देन की बात की गई थी, और भाजपा नेता उसी भ्रष्टाचारी निदेशक की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि वो 31 मई को रिटायर्ड होने वाले थे कि उनका सेवाकाल बढ़ाया जाए। अभी कुछ समय पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, उन्होंने इस घटनाक्रम के बाद अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन वो बात कहीं गले नहीं उतरती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो सरकार के अंडर आता है, ना कि किसी संगठन के अंदर। तो इस समय स्वास्थ्य विभाग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो ये इस समय ये मुख्यमंत्री के अधीन में है। तो हमारी मांग ये है कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। आज हमने एसडीएम झंडुता के माध्यम से महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि इस घोटाले की जांच हाई कोर्ट के किसी भी सिटिंग जज के अधीन की जाए तथा मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस पार्टी।